चलिए तो हम लोग भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चनों देख रहे हैं और उनके आंसर। रीटर द्वारा रचित अरण कुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। अगला है, धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। अगला है, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? सरसों की। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो है फेडरिक रेट जेल। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा। अगला है, सुपियर झील और ह्यूरन झील के बीच सेंट मैरी पिपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? सू नहर। अगला है, लैंड ऑफ रिसिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। अगला है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होनसू। अगला है, राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलज से। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। अगला है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की उछलने वाली पवने होती हैं व्यापारिक पवने। अगला है, सीवान झरिया कुंदिमुख तथा सिंहभूमि से में से लोह क्षेत्र कौन सा है? कुंदिमुख। अगला है, ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। अगला है, पृथ्वी की निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र। अगला है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। अगला है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अगला है, मरुस्थली पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। अगला है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। अगला है, भूगोल में नवनीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी टेर ने। अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अगला है, सवाना घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अगला है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर को। अगला है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। अगला है, भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,716.5 किलोमीटर। अगला है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। अगला है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? एमंडसन नॉर्वे के। अगला है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6,960 किलोमीटर है सॉरी मीटर है? आकोंकागुआ। अगला है, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वाल। अगला है, घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? राजस्थान के। अगला है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। अगला है, विश्व की सबसे गहरी गुफा एटिया कनाडा की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। अगला है, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। अगला है, चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? मैक्सिको में। अगला है, कोडरमा किस खनिज का खनन करता क्षेत्र है? अभ्रक का। अगला है, क्लाइमो ग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं आद्यवल तापमान अपेक्षिक आद्रता। अगला है, पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है? नेपाल में। अगला है, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे फ्रीज। अगला है, फोर्ट ओ फिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानी है? फोर्ट ओ फिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन तिनी दाद और
टोबेगो की राजधानी है। अगला स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। अगला कोटोफैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में, इक्वेडर में, एंडीज पर्वतमाला में। अगला पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, मालाबार तट। अगला हीराकुंड योजना किस राज्य में, उड़ीसा में। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है, 49 भी समांतर रेखा से। अगला दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है, 4 मिनट का। अगला है लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अग्नेय चट्टानों में। अगला है मेसेटा पठार कहाँ स्थित है, स्पेन में। अगला है कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा नहर। अगला है सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, रेशम के। अगला है न्यू मूर द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अगला है मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, सेनकोना की छाल से। अगला है महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, एशिया को। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। अगला है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। अगला है लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, वेनेजुएला को। अगला है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है, म्यांमार में। अगला है वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। अगला है वैकाल झील किस देश में स्थित है, रूस में। अगला है छोटा नागपुर किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। अगला है मयूराक्षी नहर किस राज्य में है, गुजरात में। अगला है सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है, केरल में। अगला है चीड़ फरिस्फूस तथा लार्ज पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं, टैगा वनों में। अगला है अजरबैजान की राजधानी है, बाकू। अगला है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, पेरू में। अगला है सराजेवो किस देश की राजधानी है, बोस्निया व हर्जेगोविना की। अगला है क्यू रोसियो कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। अगला है फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है, पिरेनीज पर्वत। अगला है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में। अगला है लेबनान की राजधानी है, बेरूत। अगला है योट किस प्रजाति का घर है, खिरगीज का। अगला है वेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों का अलग करता है, तो अलास्का तथा रूस को। अगला है ब्राजील में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है, पुर्तगाली। अगला है हमारा भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय बेंगलोर में। अगला है भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है, राजबुंदरी में। अगला है क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है, रूस तथा और जापान के बीच। अगला है कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है, सिंगापुर। अगला है घना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पाक जल डमरू किस दो देशों को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। अगला है विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष 1957 एवं 1965 में हुई थी क्रमशः, विशाखापट्टनम में 1957, कोयली गुजरात में 1965। अगला है भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया, गंगानगर। अगला है विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है, 35%। अगला है किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं, जिसमें वह है जिसे महाद्वीप महाद्वीप महाद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है, यूरोप है, ठीक है। अगला है कौन सा एशियाई देश विश्व में जल यान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है, जापान। अगला है भारत के करण प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा एवं पिंडार का। अगला है मुथुवान मलकुरवान एवं सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, केरल में। अगला है महासागरों का निर्माण किस चट्टान से होता है, बेसाल्टिक चट्टान से। अगला है यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भूज हलचल के समय हुआ है,
तहारसी नियम भू हलचल। अगला है गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला के लिए। अगला है कोयले के भंडार में भारत का गृह राज्य है झारखंड। अगला है कांजीरंगा अभ्यारण है असम में। अगला है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान है नागपुर में।